हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रणवे डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट इंजरी। तो चेस्ट इंजरी की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा हमें किसके देखने को मिलती है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनमें हमें ये देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 80% केसेस में ये हमें तभी देखने को मिलती है जो, या फिर कोई बहुत ऊंचाई से गिर जाए, मतलब फॉल हो कहीं से, तो हमें देखने को मिल सकती है। कोई स्टैब इंजरी हो, मतलब किसी ने चाकू डाल दिया है, या किसी पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, तो उस कारण हमें देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसके कारण देखने को मिलेगी? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण। अब चेस्ट के हमने बोला चेस्ट इंजरी, तो यहाँ चेस्ट वर्ड से मतलब क्या है हमारा, कि इसमें क्या क्या आएगा? इसमें हमारी चेस्ट वॉल आएगी। चेस्ट होता कहाँ से है? यहाँ पे, ये हमारी क्लाविकल, ये वाला पूरा चेस्ट रीजन, कहाँ तक? डायफ्राम तक। ठीक है, अब जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट में क्या क्या आएगा? हमारी चेस्ट वॉल आ जाएगी, उसके वॉल के नीचे जाएंगे, हमारा फैट स्किन आ गई, फैट आ गई, मसल्स आ गई, हमारी बोन्स आ गई। बोन्स क्या है? रिब्स और स्टर्नम। तो हमारी बोन्स आ गई है इसी में। फिर इसके अलावा हमारे जो अंदर ऑर्गन्स है, बोन्स के अंदर जो ऑर्गन है, लंग्स और हार्ट, ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? चेस्ट इंजरी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ देखो, अब आप डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारी रिब्स है, रिब्स में फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये क्या है? चेस्ट इंजरी के अंदर आएगा। रिब फ्रैक्चर भी किसमें आएगा? चेस्ट इंजरी के अंदर आएगा। और अंदर जो लंग्स हैं वो भी क्या है? इंजर्ड हुए हैं, वहां पे भी हमें ब्रूजीज देखने को मिल रही है ना। अब चेस्ट इंजरी में क्या होगा? ब्रूजिंग और एब्रेजन देखने को मिलेंगे। इनका क्या मतलब होता है? स्पेशली जो ब्लूइशनेस मिलेगी हमें, ठीक है, डिस्कलरेशन जो मिलेगा ब्लूइश, वो कोई कट्स हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे? ब्रूजिंग और एब्रेजन में हो जाएंगे। ब्रोकन बोन मतलब रिब्स के जो फ्रैक्चर है वो सारे चेस्ट इंजरी में आएंगे। डैमेज हो जाए हमारे लंग और हार्ट को, वो चेस्ट इंजरी में आएगा, जो मैं समझा चुकी हूँ। अब चेस्ट इंजरी क्या है? माइनर भी हो सकती है, जहाँ पे हमें कोई सीरियस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, और सीवियर भी हो सकती है, जहाँ पे हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। तो दोनों तरीके के हो सकती है। अब रिब फ्रैक्चर की मैं बात करूँ, हम एक एग्जाम्पल से समझें कि अगर रिब फ्रैक्चर हुआ है पोस्टीरियर साइड रिब का, हमारा पोस्टीरियर साइड का, तो वहां पे हमें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन कौन करेगा? हमारा स्कैपुला। ये कौन है? ये क्या है? हमारा स्कैपुला। स्कैपुला के नीचे की तरफ आ रही है पोस्टीरियर रिब, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? स्कैपुला। तो पोस्टीरियर जो फ्रैक्चर्स होंगे रिब्स के, वहां हमें कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, वही हम बात करें अगर हमारे लंग्स को डैमेज होता है, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है लंग्स में, ठीक है, स्टैब हो गया है, कोई हमें चाकू मार दिया, वो हर्ट या लंग्स के आसपास है, तो वो हमारी किसमें जाएगी? इमिडिएट मेडिकल अटेंशन की हमें जरूरत होगी। अब टाइप्स की बात करें, देखो चेस्ट इंजरी को वैसे हम बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मेजरली समझने के हिसाब से हम देखें तो मेजरली हम चार टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज ब्लंट इंजरी। व्हाट इज ब्लंट? कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आप कहीं से गिर गए, या आप छत पे खड़े थे, आप ऊंचाई से गिर गए, तो वो कौन सी इंजरी है? ब्लंट इंजरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सरफेस है वो शार्प नहीं है, वहां पे आपको कोई पेनिट्रेट नहीं हुई है चेस्ट में, तो वो क्या हुई है? ब्लंट इंजरी हुई है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारा इंट्रा थोरेसिक जो कैविटी है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है, उसका प्रेशर इंक्रीज होने के कारण होता है। अब किस किस कारण हो सकता है? आप ऊंचाई से गिर जाएं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, इन सब कारण जो होगा वो क्या हो जाएगी? ब्लंट इंजरी हो जाएगी। सेकेंड होती है पेनिट्रेटिंग इंजरी। व्हाट इज पेनिट्रेटिंग इंजरी? कि जैसे ये मेरा हाथ है, मैंने इसमें यूं चाकू डाला, यहाँ से उसके यहाँ निकल गया, तो डैट इज पेनिट्रेटिंग इंजरी, मतलब इसने छेद कर दिया है, पेनिट्रेट कर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे हम समझेंगे कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, अब वो क्या हो सकता है? तलवार हो सकती है, वो चाकू हो सकता है, वो किसी भी तरीके का धारदार हथियार हो सकता है, जो हमारी जो चेस्ट वॉल है उसको पेनिट्रेट करके अंदर ऑर्गन्स तक जा रहा है, डेट इज पेनिट्रेटिंग इंजरी। थर्ड इज ब्लास्ट इंजरी। ब्लास्ट इंजरी आप सबको पता है, एक्सप्लोजन वगैरह है, कहीं पे बम फट गया है, या कोई भी एक्सप्लोजन हो गया, डेट इज ब्लास्ट इंजरी। इनहेलेशन चेस्ट इंजरी। देखिए बेसिकली समझिए कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर लंग्स है, और उनका मेन काम क्या है? रेस्पायरेशन करना। अगर रेस्पायरेशन के थ्रू हम कोई भी हार्मफुल गैसेस का इनहेल करते हैं, कोई डस्ट है, कोई फ्यूम्स है, उसके कारण जो हमारे लंग्स को इंजरी होती है वो क्या आ जाएगा? इनहेलेशन इंजरी। अब देखिए, अगर सीवियर इंजरी है हमारे चेस्ट रीजन में, तो क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। अब अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ये हमारा चेस्ट रीजन है, इंटरनल ब्लीडिंग चेस्ट में हमारे कहीं हो रही है, तो अब वो कहाँ से निकलेगी? माउथ के थ्रू निकलेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, कफ के साथ ब्लड आने के चांस देखेंगे हमें। जैसे पेशेंट ने कफ किया, कफ को उसने ना स्प्लिट किया कहीं पे, तो उसमें हमें क्या दिख लेगा, रेड कलर के स्टेन दिखेंगे, ब्लड के स्टेन दिखेंगे, ठीक है। कामी स्किन हो जाएगी, नोजिया, एक्सट्रीम थ्रस्ट वगैरह ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, अगर ब्लड का कलेक्शन है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी मिलेगी, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी, ठीक है। ब्रीथ की क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस हो जाएगी, पेशेंट ड्राउजीनेस फील करेगा, कंफ्यूज फील करेगा। अब वो कफ करेगा तो रेड कलर का स्पूटम आ रहा है, मतलब प्योर ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन अगर येल्लो या ग्रीन कलर का स्पूटम आ रहा है, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन अंदर है। इन्फेक्शन की कंडीशन में कैसे कलर का स्पूटम आता है, येल्लो और ग्रीन। पेशेंट को चेस्ट पेन मिलेगा, ब्लड जो है कभी कभी स्टूल और यूरिन के साथ भी पास होने के चांस रहते हैं, बट ये चांस बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम थ्रस्ट की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे, चेस्ट इंजरी में कोई भी इंजरी होती है, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है। तो फर्स्टली हमें क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। अब एक चीज और ध्यान रखो, अगर आप किसी भी चीज को इमोबिलाइज रखोगे, मतलब स्टेबल रखोगे, तो पेन हमें कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं खांसती हूँ, अगर मैं छींकती हूँ, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, मैं तेज हंसती हूँ, उस कंडीशन में पेन क्या होगा, और ज्यादा होगा। टेंडरनेस, कहीं पे भी चोट लगेगी हमें देखने को मिलती है, ब्रूजिंग मिलेगी और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर फ्रैक्चर रिब है, ये तो हमने कॉमन साइन एंड सिम्टम्स बोले चेस्ट इंजरी के, अगर फ्रैक्चर रिब है उस कंडीशन में एक्सट्रीम पेन मिलेगा, कब, ब्रीदिंग करने पे। जैसे ही आप इनहेल करते हैं, आपने इनहेल किया, चेस्ट क्या आई, बाहर की तरफ आई, जैसे ही आप एक्सहेल करते हैं, उसकी वजह से चेस्ट अंदर की तरफ जा रही है। तो अगर रिब में फ्रैक्चर है तो वो मूवमेंट होगी रिब्स की, तो उसके कारण क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वापिस यहाँ पे आ जाते हैं, टेंडरनेस देखने को मिलेगी चेस्ट में और बैक में, क्रंची फीलिंग आएगी। देखो क्रंची फीलिंग का मतलब समझो, हम ना लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि इस चीज का क्रंच बहुत अच्छा है, मतलब हम उसे तोड़ते हैं तो हमें एक आवाज आती है, डेट इज क्रंची नेस, है ना। तो इसी तरीके की आपको फीलिंग आएगी स्किन के अंदर, क्योंकि आपके रिब्स क्या हुई है, ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, उसके कारण क्रंची फीलिंग आएगी। सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। अब डायग्नोसिस की बात करें, फर्स्टली फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो सबसे ज्यादा कॉमन, जब भी कोई इंजरी होती है बोन से रिलेटेड, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सरे कराइए। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। बट कभी कभी क्या होता है, चेस्ट एक्सरे के अंदर रिब फ्रैक्चर प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके अलावा हम सीबीसी कराएंगे, ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है ये देखने के लिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ये देखने के लिए, हम क्या कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे। उसके बाद इंजरी अगर हर्ट में है तो उससे रिलेटेड करेंगे, जैसे ईसीजी करवाना है ना अदरऑल, वो करवाएंगे, ठीक है। वैसे ना कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है रिब फ्रैक्चर, वापिस बता रही हूँ, बट अगर ब्रूजीज हैं, लंग्स कोलैप्स हो रहा है, दैट इज सीवियर कंडीशन। अब देखो जब भी चेस्ट इंजरी होती है ना, जैसे ही आपको इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है, उस कंडीशन में जो वहां का स्टाफ होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, एक वो याद रखो, ABCDE, चार पांच चीजें हैं वो साथ में चलती है। ऐसा नहीं है कि पहले एयरवेज देखेंगे, फिर ब्रीदिंग देखेंगे, फिर सर्कुलेशन देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें साथ में चलती है, कोई एक दो लोग एयरवेज का मैनेजमेंट करेंगे, कुछ ब्रीदिंग का, कुछ सर्कुलेशन का, तो वो चीजें साथ में चलती है। तो यहाँ पे हमें ट्रिक क्या याद रखनी है, ABCDE, किसके लिए, रिसोसिटेशन के लिए, चेस्ट इंजरी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए फॉर एयरवे। एयरवे में हमें, यहाँ एयरवे हमारा क्या हो गया, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गई, ट्रेकिया हो गई, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे इनको, माउथ में कोई फ्लूड है या ब्लड है उसको हटाएंगे, फेरिंग्स में या ट्रेकिया में। सेकंड, प्लास्टिक एयरवे इंसर्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमारा जो रेस्पायरेशन है वो प्रॉपर चलता रहे। अगर इसी से भी नहीं होता है तो हम ईटी ट्यूब इंसर्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो आप, है ना, ये डायग्राम है, आपको दिख रहा है, ये लैरिंगोस्कोप है, इसकी हेल्प से हमने ट्रेकिया में क्या डाल दी, ट्यूब डाल दी, दैट इज ईटी ट्यूब और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। क्रिकोथायरॉयडोटॉमी करेंगे। क्रिकोथायरॉयड का मतलब क्या है, यहाँ देखिए डायग्राम में, ये थायरॉयड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, दिख रहा है आपको यहाँ डायग्राम में मेरा कर्सर, देखो ये थायरॉयड है और ये क्रिकोइड है, यहाँ पे देखो डायग्राम में, ठीक
ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन होती है, वहां से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसको, वहां पे इंसिजन लगा के वहां से इंसर्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, क्रिकोथायरॉइडोटॉमी। ट्रेक्योस्टोमी करेंगे, डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एयर वे मैनेजमेंट। सेकंड हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग का मैनेजमेंट करेंगे। ब्रीदिंग में क्या हो गया, इंट्यूबेशन करेंगे, ईटी ट्यूब वगैरह जो भी करना है इंट्यूबेशन करेंगे। इंटरकॉस्टल ड्रेनेज करेंगे, इंटरकॉस्टल ट्यूब का इंसर्शन करेंगे। जैसे यहाँ देखो आप, ये एक पेशेंट है जिसके लंग्स में क्या है, पस भर गया है या फ्लूड भर गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स जो स्पेस होता है, इंटरकॉस्टल स्पेस होता है, वहां से हम इंसर्ट करेंगे और इसको फ्लूड को ड्रेन करवा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा, किसके द्वारा, इंटरकॉस्टल ट्यूब इंसर्शन के द्वारा। क्लोजर ऑफ ओपन चेस्ट वुंड, जो भी ओपन चेस्ट वुंड है उनको हम क्लोज करेंगे, किसके लिए, न्यूमोथोरेक्स से बचने के लिए। सी फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का क्या मतलब है, मतलब ब्लड से रिलेटेड चीज हो गया, हमारी बॉडी का जो फ्लूड है उसको मैनेज करने से रिलेटेड हो गया। तो सर्कुलेशन में सबसे पहले हम ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम का इन्फ्यूजन करेंगे, मतलब अगर उसका ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है तो हम लोग आईवी फ्लूड पेशेंट को देंगे, किसको मेंटेन करने के लिए, फ्लूड को मेंटेन करने के लिए। डिसेबिलिटी चेक करेंगे कि चोट लगने की वजह से कोई डिसेबिलिटी तो नहीं हो गई, तो डिसेबिलिटी चेक करने के लिए हम किसके थ्रू जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल्स। क्यों, क्योंकि सेंसरी सिस्टम अगर हमारा काम कर रहा है तो मतलब डिसेबिलिटी नहीं है। फिफ्थ इज एक्सपोजर, एक्सपोजर का क्या मतलब है कि जो भी साइट है जहाँ पे चोट लगी है हम उसको एक्सपोज करेंगे, तो उसके लिए हम पेशेंट को, ये नहीं है कि पेशेंट हमारे पास आया हम बटन खोल के उसके कपड़े खोल रहे हैं, पूरा उसको हिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जस्ट सीजर लेनी है और उसके कपड़ों को कट कर देना है, ठीक है, उसके क्लोथ को कट करके रिमूव करना है, पेशेंट की मूवमेंट नहीं करनी है। पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए पेन रिलीफ देंगे बट सीडेटिव्स नहीं देंगे, ठीक है, ये याद रखना है, सीडेटिव्स नहीं देंगे। ओपन चेस्ट वुंड जहाँ भी है उनको कवर कर देंगे, उनको क्लोज कर देंगे। जो भी, फिर हमें ये देखना है कि इस पेशेंट में ऐसी क्या इंजरी है जिसकी वजह से इसकी जान जा सकती है या ये मर सकता है। सबसे पहले उस इंजरी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इमिडिएटली ट्रीट करेंगे। तो ये पांचों चीजें क्या चलती है, पैरेलल चलती है, साथ में चलती है। कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात करूँ, कोई भी इंजरी होती है तो कॉम्प्लिकेशन में देखो मेनली दो चीज हमें देखने को मिलेगी, या तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें, इन्फेक्शन। सेकंड, इसके अलावा लेस कॉमनली हमें देखने को मिलेगा हीमोथोरेक्स, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, न्यूमोथोरेक्स, कोई एब्डोमिनल इंजरी हो रही है, या सर्जिकल एम्फाइसीमा हो गया है, हमें ये सारा चीज देखने को मिलता है। ये चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हीमोथोरेक्स है क्या न्यूमोथोरेक्स है, तो मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।